हेलो भाई, नमस्कार प्यारे साथियों, राम राम। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार जबरदस्त होंगे। प्यारे भैया, मैं अंकित सुरोई आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार पर, एसएससी लैब पर। चलिएगा प्यारे मित्र, एक बार सभी शानदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका कर्तव्य है कि अपने सभी साथियों तक क्लास को पहुंचाना, और हमारा कर्तव्य है कि आप सभी को शानदार सी बातों में प्यारे साथियों बताना कि भैया इस सवाल का जवाब क्या होगा। सारी की सारी बातें हम समझेंगे। जल्दी से सभी एक बार शेयर अवश्य कर दें और चलते हैं फिर शानदार से प्रश्नों पर। इसी बीच आप सभी के सामने प्रथम प्रश्न भैया आ चुका है। प्रथम प्रश्न प्यारे साथियों आप सभी के सामने है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है सभी, एक बार जल्दी से सभी चलिएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया प्यारे बंधु। चलते हैं प्यारे मित्र, इसी बीच हम सभी चलते हैं, इसी बीच हम सभी के सभी साथियों यहाँ पर एक शानदार सा प्यारे साथी प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। सभी मेरे प्यारे मित्र इसका जवाब दीजिएगा प्यारे भाई की, इसका सही जवाब भैया जी क्या होने वाला है, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। जल्दी से देखता हूँ कि कौन कमेंट करके फटाफट इसका जवाब देता है। कि यहाँ पर आज एनालॉजी क्लास नंबर 3 है, एनालॉजी क्लास नंबर 3 आप सभी के सामने है प्यारे साथियों। पूछा गया है एक शानदार सा प्रश्न आप सभी से, आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी दीजिएगा। कि प्यारे मित्र जिस प्रकार से देखोगे आज की क्लास में भी एक शानदार सी बात होने वाली है, आप सभी लास्ट में होगी पर बिल्कुल अंत में है ना, एक सवाल आएगा बहुत जोरदार जिस पर आप सभी क्या होगे बहुत प्रसन्न होगे, मुझे पता है, जैसे पिछली क्लास में हुए थे। यहाँ पर जो लॉजिक इसका इसके साथ है भैया जी, वही लॉजिक 106 का किसके साथ होगा। सबसे पहले तो बाबू लोगों इसका केस हाथ में ले लीजिएगा, ले लिया हाथ में केस, हाँ सोल्व करो बारीकी से, देखो कि यहाँ पर आखिरकार कैसे कैसे इसने भैया क्राइम करा जो इतना छोटा हो गया, ये इतना छोटा हो गया, ये आपको देखना है सभी को। चलिएगा बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी से जवाब दो, किसी भी प्यारे साथी का जवाब हो, प्यारे साथी किसी का भी जवाब हो है ना, किसी भी प्यारे साथी का जवाब हो तो एक बार जल्दी से दीजिएगा। जी नीलम यादव जी नमस्कार जी। देखोगे प्यारे भाई अब हमारे सामने ये सवाल है, आखिरकार बोले जी क्या करा, हम बोलेंगे ये करा कि इस वाले पहल की संख्या में बोले जी 84 है, था प्यारे बंधु इस 84 को हाफ कर दिया आधा, बोले तो कितना मिल गया, बोले जी 4/2 मिल गया। मैंने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात, अब क्या करा गया है इस 4/2 को, अब 4/2 में कर दिया अलट पलट कर दी कि प्यारे भाई आप दोनों अपना स्थान चेंज कर लो, 2 को यहां लिख दिया और 4 को यहां लिख दिया, तो इस प्रकार से हमारा 2 और 4 बन गया, इस प्रकार से हमारा 2 और 4 बन गया। गुड मॉर्निंग जी। अब यहाँ पर इसी प्रकार से मुझे इसमें भी लॉजिक लगा देना होगा, बोले हाँ लगाओ, तो हम कहते हैं कि इसका आधा कर दो, 106 का हाफ करेंगे तो आएगा 5/3। क्या करना है कि दोनों का स्थान चेंज कर दो, तो 3 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, यही हमारा प्यारे दोस्तों जवाब हो जाएगा 35। ओके बहुत बढ़िया, बिल्कुल शानदार जी, बिल्कुल 35 होगा, 35 होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। अगले पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, इसमें कहा है जी 384 प्रश्नवाचक, 216 और 63, ये सारी की सारी बातें की गई है, बिल्कुल जी बिल्कुल 35 होगा, बहुत शानदार प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया ओके। अरे भैया बहुत शानदार, और प्यारे साथियों जवाब दीजिएगा इसका, ये वाला प्रश्न आ गया कि 384 आगे प्रश्नवाचक क्या आएगा जिस प्रकार से 216 और 63 का आपस में रिलेशन है, है? तो सबसे पहले लॉजिक आपको देखना होगा, 63216 में क्या लॉजिक लगा है, क्या यहां पर लगा गया है, देखते हैं कि प्यारे मित्र की कौन यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझकर इसका जवाब देता है, क्योंकि सोचना है समझना है तभी जवाब देना है, बिना सोचे और समझे किए गए फैसले गलत साबित हो जाते हैं। तो याद साथियों देखिएगा, बताना है आप सभी को इसका, कि इसका जवाब क्या होगा मेरे प्यारे बंधु, मेरे प्यारे भाई लोगों, इसका जवाब क्या होगा, है इसका सही जवाब क्या होगा, देखिएगा जल्दी से दीजिएगा। आया किसी का, किसी का नहीं आया, देखिएगा होता क्या है कि यहाँ पर अब हमने यहाँ पर लॉजिक लगाने की कोशिश करनी है कि यहाँ से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई 3 करूँ तो 6 18 नजदीक तो पहुंच रहा है, मल्टीप्लाई 4 करते ही ज्यादा होता चला जाएगा, है ना, बोले जी बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब आखिरकार क्या करा गया होगा यहाँ पर पहुंचने के लिए, तो आप सभी को पता है कि 216 के नजदीक का तो भैया 196 होगा या 225 स्क्वायर होगा, है ना, 97। अब देखोगे प्यारे बंधु 97 आ रहा है, देखिएगा यहाँ पर आपको करना क्या है, बोले जी यहाँ करना है कि यदि मैं इनको सभी को जोड़ू 2+1+6 बराबर किसके है, 6+3 के है, मतलब 6 2 8 और 1 9 6 3 9, मतलब इन दोनों के जो हमारे अंक है इनका योग करा तो कितना आया, 9 बराबर आया। यही तरीका यही लॉजिक हमको लगाना होगा जी, नहीं 97 नहीं है प्यारे भाई,
यही लॉजिक यहां पर लगाओ। तो बोले जी 3 + 8 + 4 कितना योग हो गया, 8 × 3 = 11 = 4 = 15। अब ऐसा ऑप्शन देखो कि जिसमें दिए गए अंक हैं उनका योग कितना हो जाए प्यारे साथियों, 15 हो जाए, उनका सम कितना हो जाए 15 आपको प्राप्त हो। देखो 9 × 8 = 17 ज्यादा हो गया, 8 × 4 = 12 और 3 = 15, यही इसका सही जवाब होगा, 8 × 4 = 12 = 3 = 15। ऑप्शन नंबर प्यारे दोस्तों बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा प्यारे साथी, ठीक है जी। बी कैसा होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़े, देखा तीसरा क्या कहता है, तीसरा प्रश्न प्यारे साथी, तीसरा प्रश्न क्या कहेगा, आ जाते हैं इसी बीच कि 25, 27 और आगे है हमारा 49, आगे है 49, 49 के आगे आएगा क्या, 49 के आगे आएगा क्या, लॉजिक देखो, बताना है जल्दी से यहां पर कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। 843 बिल्कुल सही जवाब हो गया उसका प्यारे साथियों, चलिएगा बहुत शानदार। इसी बीच आप सभी इसका जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी। बिल्कुल ओके, सबसे पहले बहुत बढ़िया, अरे वागा साहब अच्छा जवाब, 65 होगा या नहीं होगा, मैं कहूंगा जी बिल्कुल होगा। देखो बिल्कुल होगा जी, ये क्या करा है जिस साथी का नहीं हुआ वो समझ लो, ये 5 का स्क्वायर है, आपने कहा जी बिल्कुल पता है, ये क्या है इसको मैं लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर + 1, 6 का वर्ग होता है 36, स्क्वायर याद है नहीं याद है ये बताओ पहले तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब तो देखो कि 6 का स्क्वायर यानी इससे एक अधिक संख्या का वर्ग किया अगला और उसमें एक जोड़ दिया, बोले जी ये कितने का है 7 का स्क्वायर, तो इससे एक अधिक संख्या का स्क्वायर करना होगा 8 का स्क्वायर और उसमें एक जोड़ देना होगा, तो 8 का स्क्वायर + 1 करके 65 हमको मिल गया यानी 65। तो इसका सही जवाब कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी 65 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कौन सा जी 65 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, 65 है ना। चलो बहुत शानदार है भैया, बहुत बढ़िया। चौथा प्रश्न क्या होगा, प्रश्न नंबर फोर क्या होगा प्यारे साथी, आप जल्दी से जवाब दीजिएगा कि भैया प्रश्न नंबर फोर क्या होगा। देखिए प्रश्न नंबर फोर की हम बात करते हैं यहाँ पर फिर से कि आप सभी सोचोगे जी भैया 18 × 4 = 72 है ना, और भैया 56 वाला तो मामला है नहीं है। अब नहीं है तो क्या करना होगा आप सभी बताओ जल्दी से, है ना, 56 वाला तो मामला नहीं है तो नहीं। और कुछ लॉजिक लगेगा, उस लॉजिक को देखो प्यारे भाई क्या होगा, शानदार गजब लाजवाब मजबूत लॉजिक है याद रखना, है ना। सवाल का मोर बना दो, मोर नहीं तो ये आपका मोर बना देगा और कहेगा कि मोर बनाकर उड़ा दूंगा, तो आप सभी एक काम करो कि इसका खुद मोर बना दो कि भैया तू क्या मोर बनाएगा, सवाल हमारा हम तेरा बना देंगे। यहाँ पर लॉजिक को हमें समझना होगा कि लॉजिक प्यारे साथी होगा क्या आखिरकार, है ना प्यारे भैया, लॉजिक क्या होगा क्या प्यारे बंधु। देखते हैं कि किस साथी का सबसे पहले जवाब आएगा, अरे भैया 22 किसका आया है, देवनाथ का आया है 22। अरे प्यारे दोस्त अगर आपका 22 आया है और मैं कहता हूं फिर एक और आया है जी फैजल खान का, ठीक है जी, अच्छा जवाब नहीं आया, वो ईद मुबारकबाद देने के लिए आए हैं, बहुत बहुत स्वागत जी आपका और प्यारे साथी आपको ईद मुबारक। चलिएगा देखोगे यहाँ पर प्यारे साथी अब 22 सही होगा, मैंने क्लियर कर दिया, बोले कैसे देखिए प्यारे मित्र अगर मैं देखूं आप सभी ने देखा कि गुणा चार करके तो 18 × 72 मिलता पर यहाँ पर 14 नहीं था, जो मैं ऐसा लॉजिक लगाऊं, लॉजिक क्या लगा है, बोले ये 72 है, बोले हाँ इसके दोनों अंकों को जोड़ दो और प्यारे साथी 2 से गुणा कर दो और हमको ये मिल गया, देखो 7 × 2 = 9, 9 × 2 = 18 मिल गया, बोले हाँ ये बात। आगे देखिएगा इसी बीच 56 को कैसे करेंगे, तो प्यारे साथी 5 + 6 × 2, प्यारे भाई सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करते हैं, 6 × 5 = 11, 11 × 2 = 22, तो इसका सही जवाब 22 हो जाएगा, बिल्कुल शानदार जवाब, कौन सा 22, वाह शानदार बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं पांचवें पर, पांचवा आप सभी के सामने है कि 8, 9 और प्यारे साथी 64 के आगे क्या आएगा, जो रिश्ता जो नाता जो संबंध जो भी प्यारे दोस्तों गहरी दोस्ती गहरा प्यार इन दोनों के बीच है, वही गहरी दोस्ती गहरा प्यार इनके बीच भी आएगा। आप सभी को देखना है कि आप सभी गहरी दोस्ती को बताते हैं गहरे प्यार को गहरी दुश्मनी को कौन से को समझते हैं, तो इसके लिए लॉजिक समझना है आपको, और लॉजिक समझना है तो इसका मतलब भैया इसका केस अपने हाथ ले लो, है ना। सबसे अच्छा तरीका होता है कि अपने प्यारे साथियों 25, अरे भैया इसका 25 आ गया जी 25, ओके ओके 25 अच्छे भैया जी 25 आ गया, क्या आ गया जी 25, किस प्यारे साथी का आया है 25 देवनाथ का, गुड मॉर्निंग जी
महेश कुमार जी गुड मॉर्निंग प्यारे बंधु, गुड मॉर्निंग प्यारे साथी। देखिएगा आप सभी जुड़े रहें क्योंकि प्यारे मित्र आज को बता दूं आपको कि भैया जी शानदार से वह प्रश्न होंगे जो भी आप भी देखोगे। हाँ जी कुछ प्रश्न इसी प्रकार से होते हैं, दम है। आ जाओ देखो, अगर मैं बात करता हूँ इसको तो आप सभी जानते हैं कि 2 का क्यूब होता है 8, समझते चलना आप सभी। अगर इसको लिख दिया कि 3 का स्क्वायर, कुछ मेरे प्यारे साथियों के मन में एक बात अवश्य जाएगी कि 2 का क्यूब है तो 3 जो है 3 को नीचे लिया, नीचे वाले को, और क्यूब घात में पहुंचा दिया। मेरे प्यारे साथी यदि ये सही होता है तो आ जाओ यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है प्यारे मित्र, ये 4 का क्यूब है ना। अगर ऐसा कुछ होता तो 3 का 4 करते तो 3 3 होते 27 81 होता, जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाले जो है उसका तो क्यूब है, उसी संख्या में 1 की वृद्धि करके फिर उसका स्क्वायर है, तो मतलब +1 किया है। तो अब यहाँ पर +1 होकर के यानी कि 4 का क्रमागत अगला 5 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है प्यारे दोस्तों 25, है ना भैया जी, कितना 25 होता है बताओ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बहुत शानदार प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखता हूँ प्यारे मित्र, अरे भैया बिल्कुल बिल्कुल, अरे ए वाले गलत है दोस्तों, 16 नहीं होगा प्यारे साथियों, 16 बिल्कुल नहीं होगा, 25 बिल्कुल 25, अरे वाह बहुत शानदार, ठीक है जी प्यारे साथियों 25 होगा। इसी बीच चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 पर अब सबसे पहले हम सभी को नंबर एनालॉजी आ रही है, फिर उसके बाद यहाँ पर वर्ड एनालॉजी दिखेगी, कुछ ना कुछ इसी प्रकार से अलग अलग दिखेगी, पर क्रमागत सवाल पहले मैंने रखे हैं। देखिएगा 19 कहता है कि 19 और 360, है ना, बोला था मैंने कि भैया स्क्वायर याद कर लो, नहीं सपने में भूत दिखेंगे, भूत और दिखेंगी चुड़हले। तो किसको तो भूत दिखे किसको चुड़हल दिखे जल्दी से बताना, क्योंकि आप सभी के याद नहीं है स्क्वायर और वो स्क्वायर वगैरह याद नहीं है प्यारे साथी आप सभी को। अगर है तो जवाब दो, अगर है तो यहाँ पर स्क्वायर पर आधारित है ये प्रश्न, किस पर, स्क्वायर पर आधारित प्रश्न है प्यारे दोस्तों आप सभी का, है ना, स्क्वायर पर आधारित है। तो देखता हूँ कि कौन प्यारे साथी इसका जवाब देगा, भैया कौन रेडी है, कौन तैयार है इसका जवाब देने के लिए प्यारे साथी, है लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और सवाल का मोर बना दो, एक कहानी लिखना उसको कहते हैं। तो देखूं कि कौन सा कहानी लिखता है यहाँ पर, कौन प्यारा साथी जवाब देगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह गजब प्यारे साथियों। देखिएगा इनके जो देवनाथ है प्यारे भाई, बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब देते हो आप सभी, आप बहुत अच्छा जवाब देते हो वास्तविकता में, है ना, बहुत आई लाइक इट भैया। प्यारे साथी अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक वाइक करा कर जाना, आपकी इच्छा है, थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट मिल जाएगा, अन्यथा आपकी इच्छा। देखिएगा अगर मैं बात करूं प्यारे दोस्तों इसका, है ना, कि भैया 360 प्यारे मित्र 19 का स्क्वायर माइनस 1 कर दूं, बोले 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, वाह 361 होता है प्यारे दोस्त, 361 में से कम कर दिया 360, बोले मतलब ये संख्या जो थी इसका ही स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर यानी कि इस 29 का स्क्वायर और माइनस 1, प्यारे भाई 29 का स्क्वायर होता कितना है, बोले 29 का होता है 841, और इसमें से एक कम करोगे तो कितना मिलेगा हमको 840, 840 मिलेगा, कितना मिलेगा जी 840 मिलेगा प्यारे साथी 840, चलिएगा बहुत ही शानदार बहुत ही जानदार 840 वाले बिल्कुल सही हैं आप सभी के सभी। इसी बीच 7वां प्रश्न है प्यारे साथी कि 2439 मतलब कि जो रिश्ता जो रिलेशन जो संबंध इनका है वह किसके साथ है, वह किसके किसका होगा बताओ प्यारे साथी, वह किसका होगा। यहाँ पर लॉजिक थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लॉजिक अच्छा है प्यारे दोस्त, अच्छे लेवल का लॉजिक है, आप सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा अवश्य ही, आप सभी को थोड़ा सोचने पर अवश्य ही मजबूर कर देगा, और प्रश्न भी ऐसा ही होना चाहिए जो आप सभी को सोचने पर मजबूर कर दे, है ना, क्योंकि प्यारे मित्र अगर आप सभी सोचने पर मजबूर हो रहे हैं तो इसका मतलब आप सभी कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बहुत सारी बातों को रोटेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं कि क्या लग सकता है क्या नहीं, स्क्वायर लगेगा क्यूब लगेगा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है ऐड हो रहा है, क्या यहाँ पर लग सकता है। तो यहाँ पर आप सभी अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा कॉपी पेन लेकर के इस ऐसे प्रश्नों को सवाल को करने की कोशिश करें, और जो लगता है कि प्यारे दोस्तों कि ये न्यू पैटर्न पर आधारित है, मतलब कि यहाँ पर न्यू लॉजिक कुछ हमको दिखाई दिया है, तो उसको आप सभी अपने नोटबुक में लिख करके प्यारे मित्र उसको अंडरलाइन कर लो या उसको कलर्ट कर लो, कि जिससे कि आप सभी एग्जाम में जाते समय जाएं जब उससे 1 से 2 दिन पहले इस प्रकार के प्रश्नों का रिविजन कर लें, है ना। चलो देखता हूँ प्यारे साथियों, ठीक है चलिएगा, पता नहीं प्यारे साथियों क्यों है, है ना, आप सभी जानते होंगे या बच्चे जानते हैं, नहीं पता कि क्यों कम लाइव आते हैं, है ना, चलिएगा आ जाओ जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं प्यारे साथी। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि प्यारे बंधु इसमें देखिएगा, अब थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना होगा, बोले सर जी की 9 से 243 बनाओ, मेरी बात समझना है, 9 से मुझे 243 के तरफ जाना है, सबसे पहले तो मन में आया होगा 4 3 7 2 9, हो सकता है कि इसका योग लिखा गया, और प्यारे साथी यदि ऐसा होता तो 3 2 5 होता जो हमारा ऑप्शन में नहीं है, है ना,
तो इसका मतलब ये वाला तरीका जो हमारा आसान रूल आया था समझ में, ये तो खराब हो गया, गलत हो गया। बोले जी बिल्कुल गलत हो गया, है ना भैया जी, बिल्कुल गलत हो गया। आ जाओ देखोगे, अब मैं बात कर देता हूं इसका। यहां पर प्यारे दोस्त ये आ गई। अब प्यारे साथी यहां पर करना क्या है कि इसको इसमें बोले जी इस संख्या का पहले तो स्क्वायर करो और गुणा कर देनी है किसकी, अंडर रूट नौ की। अब आप कहोगे जी अंडर रूट नौ क्यों लिखा मैंने यहां पर, समझ में आएगा आपको। यहां पर देखो, इस संख्या का पता लगाने के लिए किसी संख्या में, किसी संख्या का मानिएगा, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूं, यहां पर ऑप्शन उठाना चालू कर दो। 6 का स्क्वायर करूंगा तो 9 का स्क्वायर क्या है, 6 का स्क्वायर तो 36 ज्यादा खुद ही हो गया। तो दूसरा है 4, अगर मैं 4 लेता हूं तो क्या आया होगा कि 4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई अंडर रूट में 4। मतलब अभी समझना, देखो कि 9 का स्क्वायर होता है 81 और अंडर रूट 9 का मतलब होगा कि 3। तो प्यारे दोस्तों 81 गुणा 3 करने के बाद हमको कितना मिला, 243 मिल गया। इसी बीच साथियों देखना, अगर ये हमारा सही होगा रूल तो यहाँ पर फॉलो होगा। बोले जी 4 का स्क्वायर 16 गुणा अंडर रूट 2 का, 4 का मतलब होता है 2, तो प्यारे दोस्त 16 2 32 हमें प्राप्त हो गया 32। तो इसका मतलब हमारा 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा जो आपको लगे कि प्यारे साथी की नया लॉजिक है, यहाँ पर लॉजिक जो है ये कुछ अलग इस्तेमाल हुआ है, लॉजिक नया है। तो आप सभी को कुछ नहीं करना प्यारे साथी, एक बार इसको आप सभी अपने नोटबुक पर अवश्य लिखें और उसको प्यारे दोस्तों अंडरलाइन करें या वहां पर लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट, जो जिस प्रकार भी आप, क्योंकि एग्जाम देते समय जब जाओ तो इसी जो नए नए शानदार से लॉजिक होते हैं उनका इस्तेमाल करता है एग्जामिनर। 16 गुणा 2 बिल्कुल जी, आ जाओ प्यारे साथियों, है ना। देखिएगा आ जाओ जल्दी से, देखिएगा यहां पर प्यारे दोस्त आप सभी के सामने, इसी बीच आप सभी के सामने नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे भाई, इसी बीच आप सभी के सामने नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे दोस्तों। आ जाओ जल्दी से, है ना, जल्दी से देखते हैं कि क्या होगा सही जवाब, क्या होगा सही जवाब। अगले का जवाब दीजिएगा 29। बिल्कुल ये कुछ सवाल आपको ऐसा ही दिखेगा जैसा अभी हम करके आए हैं। 22 32 बिल्कुल 16 गुणा 2 32 प्यारे दोस्त, बहुत शानदार। अरे भैया बहुत अच्छा है ना, देखता हूं कि प्यारे साथी आप सभी क्या जवाब देते हैं इसका। ठीक है, प्यारे साथी बताइएगा भैया जी। जी 22, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 22 ही इसका सही जवाब होगा, शानदार। देखिएगा अभी हमने ऐसा ही सवाल किया है ना कि 2 + 9 + 2 + 1, है ना। आपने कहा जी मतलब देखो 9 × 2 = 18, ओ सॉरी ये हुआ है इन दोनों की मल्टीप्लाई, 2 × 9 + 1, 9 × 2 = 18 = 19। इसी प्रकार इसका होगा 3 × 7 + 1 = 21 = 22। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, 22 बिल्कुल जी। ओके ओके, गजब गजब प्यारे साथी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहां पर चलते हैं 9। देखिएगा अब की बार आप सभी की जो एनालॉजी आ गई किसकी आ गई है, अब तक नंबर वाली खत्म हुई, लेटर वाली हमारे सामने आ गई है। आखिरकार क्या लॉजिक, क्या तरीका, क्या रूल लगा होगा यहाँ पर, फॉलो क्या है, सभी देखेंगे जल्दी से कि प्यारे साथी कि भैया इसका क्या हो सकता है। देखता हूँ कि कौन प्यारा मित्र सबसे पहले जवाब देता है, कौन प्यारे बंधु सबसे पहले जवाब देता है। जी स्वागत है सभी का, चलिएगा अगर प्यारे साथी को अच्छा लगे तो क्लास को अवश्य लाइक करना, अन्यथा कोई लगे कि करनी चाहिए तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। देखिएगा प्यारे साथियों आप सभी को जो मिलेगी पीडीएफ रीजनिंग बाई अंकित सरोही टेलीग्राम पर मिलेगी, कहाँ पर, रीजनिंग बाई अंकित सरोही टेलीग्राम पर प्यारे दोस्त मिलेगी। ठीक है जी, रीजनिंग बाई अंकित सरोही ये टेलीग्राम है, आप सभी का अपना ही टेलीग्राम है, इस पर मिलेगी आपकी पीडीएफ, इस पर मिलेगी प्यारे दोस्तों पीडीएफ। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी के सभी प्यारे साथी जवाब दे दीजिएगा इसका कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। ई एफ जी, ई एफ जी, ई एफ जी, अरे भैया ई एफ जी आया। देखिएगा
क्या ई एफ जी होगा या क्या होगा, ये तरीका पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका केस हाथ में लीजिएगा कि यहाँ पर लॉजिक क्या लगा। तो हमने चाहा, हमने कोशिश की कि प्यारे दोस्त इसका लॉजिक हम समझ जाएं। हमने कहा जी इसको पहले इधर लिख लीजिएगा, क्योंकि प्यारे मित्र इनमें यदि आप सभी को इनकी प्लेस वैल्यू याद है तो आप अवश्य ही ये जवाब प्राप्त करेंगे। देखिएगा यहाँ पर एल है प्यारे दोस्त 12 पर, के है 11 पर, और टी 10 जे है भैया 10 पर, ये है हमारा 13 पर, ये 14 पर, और ये प्यारे दोस्त 15 पर। ठीक है जी, देखिएगा आप सभी को पता है 12 से 13 तक आने के लिए प्लस 1 किया गया है, 11 से 14 तक आने के लिए प्लस 3 किया गया है, और 10 से 15 पर आने के लिए प्लस 5 किया गया है। तो 1 प्लस क्या है पहले, फिर प्लस 3 क्या है, फिर प्लस 5 क्या है, यही रूल प्यारे दोस्तों हमको फॉलो करना होगा। कहाँ पर, इसके अंदर फॉलो करना होगा। तो आ जाओ जल्दी से फॉलो करते हैं, क्या होगा, क्या होगा जी रूल फॉलो करना है। यहाँ पर आ जाते हैं, प्लस 1 पहले करेंगे, फिर प्लस 3 करेंगे प्यारे साथी, फिर प्लस 5 करेंगे प्यारे। ठीक है, आ जाओ देखिएगा डी प्लस 1, डी के बाद आता है ई, भैया जी सी प्लस 3 यानी कि 3 और 3 6 पर आता है एफ, इसके बाद बी प्लस 5 यानी कि 5 और 2 7 पर आता है जी। तो इसका मतलब ई एफ जी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ई एफ जी जो हमारा ऑप्शन नंबर ए पर था प्यारे मित्र, बहुत शानदार होगा यही जवाब इसका। ठीक है, आपका शानदार जवाब है ये। इसी बीच चलते हैं हम दसवें प्रश्न पर, दसवां क्या कहता है देख लीजिएगा। यहाँ पर बोला गया कि ए बी ई का संबंध एक 8 से है, 8 नंबर से है, वही रिश्ता के एल ओ का किसके साथ होगा, वही रिलेशन के एल ओ का किसके साथ होगा, वही संबंध के एल ओ का किसके साथ होगा, आप सभी को ये बताना है। देखता हूँ कि प्यारे साथी की कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है ना, देखते हैं कि किसको ये तरीका समझ आता है, लॉजिक समझ आता है। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी को प्लेस वैल्यू अवश्य याद है, प्लेस वैल्यू याद है, तो आप सभी को इसे करने में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई नहीं होगी प्यारे मित्र, इतना मैं कह सकता हूँ। उसका बिल्कुल सही हो गया ई एफ जी, उसका बहुत शानदार जवाब था। इसी बीच आप सभी इसका जवाब दीजिएगा जी, पहला प्रश्न इसका जवाब पहला आ भी गया है 38। ठीक है जी, 38 दे दिया है, बहुत शानदार देवनाथ भैया, बहुत बढ़िया जी 38। और किसी प्यारे बंधु का 38 के अलावा, या यहाँ पर क्योंकि इसके अलावा 3 ऑप्शन और है 37, 39 और 36। तो प्यारे मित्र क्या होगा आप सभी अच्छे से बताना है। बोले एक और आया है कीर्ति गुप्ता जी का आया है जी, क्या 38, चलिएगा अब तक 38 आ गया है, तो देखते हैं कोशिश करके कि 38 होगा या नहीं होगा इसका प्यारे साथियों। देखिए यहाँ पर हम सभी को पता है कि ये होता है एक नंबर पर, बी होता है प्यारे दोस्तों 2 नंबर पर, और ई होता है प्यारे भाई 5 नंबर पर। तो देखो कि जैसे ही यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर, तो क्या करें सभी को जोड़ दो, 5, 2, 7 और 1 प्यारे भाई 8, 5, 2, 7 और 1 8 हो गया, बोले जी बिल्कुल हो गया प्यारे मित्र, हो गया, बोले जी बिल्कुल हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखोगे के एल ओ प्यारे साथी, क्या के एल ओ प्यारे बंधु, के एल ओ की बात की गई है किसके द्वारा, के एल ओ की बात की है हमने, के एल ओ की बात की है हमने। देखिएगा अब क्या करना होगा, सभी की प्लेस वैल्यू लिख दो, 11 प्लस 12 प्लस 15 प्यारे दोस्त जोड़ना, 11 और 12 हो गए 23, 23 और 15 38। ठीक है प्यारे भाई, तो 38 यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया 38, बिल्कुल सही जवाब 38 ही होगा, 38 ही होगा प्यारे साथियों, बिल्कुल शानदार, बहुत अच्छा, जिसने भी सोचा समझा यहाँ पर और जवाब दिया जी 38 होगा, बिल्कुल प्यारे साथी। चलते हैं इसी बीच अगले प्रश्न पर प्यारे भाई, अगला प्रश्न क्या होगा, प्रश्न नंबर क्या है, इसमें देखोगे आप सभी से कहा गया है कि ब्लॉक्ड को इस प्रकार लिखा गया है। अब हमें यहाँ पर इस ब्लॉक्ड को प्यारे दोस्त जब लिखने में ऐसा लगा गया है, ये लॉजिक को हमें समझना होगा, है ना, क्या लॉजिक है रे बाबा। बोले जी लॉजिक को तो समझ जाएंगे, तो अगर समझ गए तो जवाब भी आ गया। देखो जल्दी से देखो कि भैया लॉजिक क्या होगा, लॉजिक क्या होगा, आप सभी जल्दी से देखिएगा, जल्दी से देखिएगा सभी साथी की लॉजिक होगा क्या आखिरकार, अर्थात लॉजिक होगा क्या, जल्दी से बताना है आप सभी को कि अर्थात लॉजिक होगा क्या। आपने कहा जी लॉजिक जो होगा, आपने कहा जी लॉजिक जो होगा ना वो क्या होगा, बताओ जी लॉजिक क्या होगा, लॉजिक क्या होगा बताओ प्यारे दोस्तों, जब सभी जल्दी से, सभी जल्दी से बता दो प्यारे साथी क्या होगा, है ना, बहुत बढ़िया, बताइएगा प्यारे साथियों कि क्या होगा लॉजिक, लॉजिक क्या होगा। देखो ब्लॉक्ड को इस प्रकार लिखा है ऑप्शन डी, अरे वाह गजब, देखिएगा बहुत प्रसन्नता होती है कि जैसे ही प्रश्न हमने दिया तुरंत आप सभी का जो माइंड है इतनी परफेक्ट तरीके से, इतना फास्ट तरीके से कार्य करता है कि आप सभी जवाब दे देते हो। देखो यहाँ पर बी प्यारे साथी, अगर आप सभी को मैंने एक बात बताई, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई थी प्यारे बंधु, तो आप सभी को क्यों कराया था, क्या कारण था कोडिंग डिकोडिंग कराने का, मुझे पता था कि वहां से बहुत सारे जो चैप्टर है वो क्या होते हैं आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्ट है। देखो बी का अपोजिट हमने बताया था कि बी का अपोजिट वाई होता है, एल का होता है ओ का होता है। तो आप सभी यहाँ पर देखते हैं कि ये सभी जितने भी हैं इन सभी के विपरीत आप सभी को यहाँ पर दिखेंगे, क्या दिखेंगे प्यारे दोस्तों, विपरीत दिखेंगे, विपरीत है ना। अब जब यहाँ पर विपरीत दिख रहे हैं तो आप सभी ये इनके विपरीत क्या होंगे, ओ का अपोजिट होगा एल, जेड का होगा प्यारे दोस्त ए, एफ का होगा प्यारे दोस्तों ई, क्या होगा हमारा यू होगा,
ठीक है, एम का होगा एन, एक्स का होगा हमारा सी और एस का होगा एच। तो बताइएगा एल ए यू एन सी एच, एल ए यू एन सी एच कहाँ पर बना हुआ दिखाई दिया? तो आपने कहा जी ऑप्शन नंबर बी में चुप बैठा दिखाई दे रहा है, ये शांत तरीके से बैठा है कि देखूंगी मुझे कौन पहचानता है, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी बीच 12 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है। देखो अब शानदार तरीके से अच्छे तरीके से इसका जवाब देने सभी के सभी, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न जो है प्यारे साथी आप सभी के सामने बहुत अच्छे लेवल के, मतलब कि बहुत सिंपल से हैं और शानदार हैं और खतरनाक भी है, है ना। देखता हूँ कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है, कौन प्यारा मित्र इसका सही जवाब देगा। यहाँ पर लिखा गया है आप सभी के सामने कि क्रिकेट खेल, इसी प्रकार से जैसे कि क्रिकेट का संबंध गेम के साथ है, क्रिकेट का संबंध गेम के साथ है, वही रिलेशन कौन सा ऑप्शन है जो आपस में रखते हैं? यहाँ देखते हैं कि किताब पढ़ना, राजा शासन, हिंदी भाषा या संविधान विधानसभा। प्यारे बंधु बताना है कि इसका सही जवाब आखिरकार क्या होने वाला है। देखें 12 का सी आया है जी सबसे पहले, बहुत बढ़िया जी। और किसी प्यारे साथी का जवाब इनके अलावा और किसी प्यारे बंधु का जवाब हो तो देखते हैं कि क्या होगा। 12 का सी, शानदार, बहुत बढ़िया जी। निशा कुमारी का भी सी आया है, और किसी प्यारे साथी का और किसी प्यारे बंधु का जवाब हो तो जवाब दीजिएगा जल्दी से सभी के सभी। बोले जी हम नहीं दे पा रहे, क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि प्यारे साथी हो आप सभी को पता होगा तो आप जवाब देंगे। सोचें, थोड़ा सा सोचना होगा यहाँ पर। सोचना क्या है? क्रिकेट का संबंध खेल से है प्यारे दोस्त। क्रिकेट एक गेम होता है, क्रिकेट एक खेल होता है, उसी प्रकार से हिंदी एक भाषा है, जो हिंदी है वो एक लैंग्वेज है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्त हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा 13 में आप सभी के सामने ए ई जे सी एच एन, यानी कि जिस प्रकार से ए ई जे को सी एच एन लिखा है, या क्या संबंध है लिखने में, अपोजिट है, कुछ ना कुछ फॉरवर्ड है, कुछ ना कुछ बैकवर्ड है, क्रॉस है, क्या है, यहाँ पर आपको ये देखना होगा। ए और सी में कंफ्यूज है सब चीज। भैया जी ए नहीं होगा, किताब पढ़ना नहीं जी, है ना। चलिएगा आप सभी को प्यारे दोस्तों हिंदी क्या होगा, हिंदी एक भाषा है, जिस प्रकार से गेम क्रिकेट एक गेम है, उसी प्रकार से प्यारे प्यारे साथियों यहाँ पर हिंदी एक भाषा है, ये बिल्कुल सही साबित होगा प्यारे साथियों। जय हिंद प्यारे भाई, ठीक है जी। प्रदीप राणा जी, जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए यहाँ पर आप सभी अच्छे से बताएं प्यारे साथी कि इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर आप सभी के समक्ष रखा गया है कि ई ए ई जे अनुपात सी एच एन समानुपात ई जे ओ। तो प्यारे दोस्तों इसका क्या जवाब हो सकता है बताएं जल्दी से सभी के सभी, है ना। देखते हैं कि किस प्यारे साथी का आया है जी। ऑप्शन सी आ चुका है, ऑप्शन सी आ भी चुका है, ठीक है। चलो हाँ, सी 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 सबसे नित जेड और यादव जी और देवनाथ का सी सी आता हुआ सभी का है, जी एम एस डार्क म्यूजिक फैक्ट। ओके चलेगा, देखोगे यहाँ पर आ जाओ जल्दी से। यहाँ पर पहले दोस्तों ई ए ई जे, सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि ए एक पर होता है, ये तीन पर होता है। बोले जी एक से तीन लिखना है, यहाँ पर देखिएगा ये पाँच पर है, ये पहले दोस्त हमारा 10 पर है, ये हमारा 8 पर है, ये हमारा 14 पर है। एक से तीन तक जाने के लिए 2 जोड़ दिया गया है ना भाई। अब यहाँ पर आप सभी देखिएगा 5 से 8 पर जाने के लिए 3 जोड़ दिया गया, और प्यारे साथियों 10 से 14 पर जाने के लिए 4 जोड़ दिया गया। तो +2 +3 +4 का उपयोग यूज़ किया गया है यहाँ पर, तो इसी प्रकार हमें भी करना होगा। यहाँ देखिएगा +2 करोगे तो प्यारे दोस्त +2 का मतलब होता है 5 to 7 पर आता है जी, और +3 करोगे प्यारे दोस्तों एम आएगा, और +4 करोगे प्यारे साथी तो एस आएगा। तो जी एम एस इसका सही होगा, मैंने कहा जी बिल्कुल होगा जी एम एस। ऑप्शन सी जो था सभी ने दिया था, करेक्ट जवाब था ऑप्शन सी। इसी बीच हम सभी के सामने प्रश्न नंबर 14 आया है कि प्यारे दोस्तों आयोडीन, ठीक है जी, आयोडीन घेगा। अब इसी प्रकार से कौन सा वह ऑप्शन होगा जो इसका संबंध जैसा आयोडीन का घेगा के साथ है, वही प्यारे दोस्तों कौन सा होने वाला है आप सभी को बताना है। देखता हूँ कि कौन प्यारे मित्र इसका जवाब देता है, है ना। यहाँ पर प्यारा मित्र कौन जवाब देगा जल्दी से देखते हैं। ओके चलिएगा, ऑप्शन नंबर उसका सही जवाब दे दिया था जीएमएस, बहुत बढ़िया। इसी बीच आप सभी अब इसका जवाब दीजिएगा जी, जीएमएस के अलावा आगे बढ़ गए हैं आप सभी के सभी प्यारे साथी। अब इसका जवाब दो प्यारे भैया कि इसका जवाब बंदूक का होगा, है ना। जिस प्रकार से आयोडीन और गहंगा आपस में संबंधित है, रखते हैं संबंध एक दूसरे से, 14 का सी आ गया है, 14 का सी भी उपस्थित है, मतलब कि इंसुलिन मधुमेह। और किसी प्यारे बंधु का 14 का सी। ओके जी देवनाथ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्यारे मित्र का, किस प्यारे साथी का जवाब आया है, है ना। देखो अगर मैं बात करता हूँ कि आयोडीन कहेगा इस प्रकार से संबंधित है, जैसे कि प्यारे साथी को आपका क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं कि वसा स्थूलता, मतलब कि फैट से का संबंध होगा स्थूलता से, वसा का। बोले जी बिल्कुल नहीं होगा प्यारे साथी। आगे बढ़ते हैं, देखोगे मैं आप सभी को बता देता हूँ, एनीमिया रक्त अल्पता को कहते हैं प्यारे दोस्त। आम से क्या होगा कॉमन, देखोगे
आयोडीन की कमी से गह का रोग होता है, आयोडीन की कमी से गह का रोग होता है, कहाँ पर होता है, गले में होता है, आयोडीन का होता है जी आयोटू, है ना, आप सभी जानते हैं आयोडीन आयोटू होता है, आयोडीन युक्त नमक खाओ गह का रोग से बचे, ऐसा तभी तो बोला जाता है, तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, गह का रोग होता है। दूसरी बात मैं बात करता हूँ, आती है जी, आएगी प्यारे दोस्त, तभी आप देखिएगा सब कुछ आपको आना चाहिए, तभी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पाया कि इंसुलिन मधुमेह, यानी कि जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है प्यारे दोस्तों, इंसुलिन के कारण ही क्या होता है, आपका मधुमेह होता है, मधुमेह होता है, डायबिटीज होती है, जिसको हम सभी शुगर के नाम से जानते हैं, मधुमेह याद रखना, यानी कि डायबिटीज होती है प्यारे साथी, जैसे कि बोला जाता है कि भैया जी डायबिटीज हो गई, मधुमेह हो गया, है ना, तो इंसुलिन की कमी से होता है, इस बात को आप याद रख लेना अच्छे से प्यारे साथी। चलते हैं आगे, प्रश्न नंबर 15 क्या होगा प्यारे दोस्तों की, इसका सही जवाब क्या है, मछली सल्क और भालू क्या, बताना है आप सभी को। यहाँ पर आप सभी देखेंगे, मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था कि कुछ ऐसी बातें आप सभी के सामने लाऊंगा, आज आएंगी, क्वेश्चनों को छांट करके मैं बना करके भैया जी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि प्यारे दोस्तों हल्के में नहीं लेना है, रेलवे है प्यारे भाई, रेलवे है, और प्यारे साथी जब रेलवे है तो हम भी रेलवे की तरह ही सुपरफास्ट तरीके से चलने की पूरी कोशिश करते हैं, है ना। तो देखिएगा अब यहाँ पर आप सभी इसका जवाब दीजिएगा कि इनका सही जवाब क्या होगा, प्यारे भाई रुक जाएगा, उन्होंने, मैं एक मिनट रुको देखता हूं, घेगा को उन्होंने गलत लिख दिया है शायद, है ना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ बिल्कुल गोइटर हो गए, तो चलिएगा उन्होंने गलत लिख दिया है ना, इसको हटा दीजिएगा, बिल्कुल ये नहीं होता, हाँ मैंने अब ध्यान दिया है, आपने सही जवाब दिया, गहगा को ये नहीं कहते, है ना, चलिएगा ठीक है, बहुत अच्छा, चलो हाँ इसको देखिए, ये जा ये रहा, इसको देखिएगा, इसको देखना है प्यारे साथी, इसमें क्या है कि मछली सल्क भालू क्या, मछली सल्क भालू क्या, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया, 15 का बी त्वचा, 15 का बी त्वचा, भैया जी 15 का बी आता हुआ त्वचा, बिना झिझके बिना किसी देरी के आप सभी ने दिया है, बहुत देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार मछली के जो सल्क यानी कि बाहरी जो त्वचा होती है उसको कहते हैं सल्क, है ना, समझ रहे, मछली की बाहरी त्वचा को, बाहरी त्वचा जो होती है उसको कहते हैं सल्क, सल्क कहते हैं बाहरी त्वचा को, इसी प्रकार से जो भालू की त्वचा होती है, भालू की जो त्वचा होती है उसको प्यारे दोस्त क्या बोला जाता है, बाहरी उसको बोला जाता है प्यारे भाई लोम चर्म प्यारे दोस्त हम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लोम चर्म इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, लोम चर्म, है ना प्यारे भाई, कौन सा होगा, लोमचर्म इसका सही जवाब हो जाता है। चलिएगा सभी मुझे कमेंट करके अवश्य बताना प्यारे दोस्त कि आप सभी को यहाँ पर कुछ नया मिला या नहीं मिला, सच्ची सच्ची बताना कि आप सभी को क्या ये बात पता थी, अगर नहीं पता थी तो प्यारे दोस्तों आप सभी अब यहाँ पर जान जाइएगा कि पता है। देखोगे यहाँ पर विंबलडन ट्रॉफी टेनिस वोकर कप क्या ये आप सभी को बताना है प्यारे दोस्तों, ये होगा शायद 15 इसके, चलो जी प्यारे दोस्तों कर दिया सर, ठीक है जी, हाँ जी मैंने बहुत बढ़िया जी, आपका डार्क म्यूजिक फैक्ट्री बिल्कुल जी, मैंने उसको हटा दिया कि वहाँ पर गलत दिया था, वो बॉडी पार्ट्स होता है, शानदार सही कह रहे हो आप बिल्कुल। चलिएगा आप इसका जवाब बताओ जी, इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे साथियों, भैया जल्दी से इसका जवाब बताइएगा कि विंबलडन ट्रॉफी टेनिस वोकर कप क्या, विंबलडन ट्रॉफी टेनिस वोकर कप क्या, बताइएगा प्यारे साथियों, 16 का C भैया जी, 16 का C आ रहा है, 16 का C यानी गोल्फ, और किस प्यारे साथी का है गोल्फ, देखता हूँ यहाँ पर कुछ ही प्यारे मित्र जवाब दे रहे हैं, सभी नहीं जवाब दे पा रहे, क्यों नहीं दे पा रहे, देखिएगा यहाँ पर 16 का C होगा या B होगा या A होगा या D होगा, अब इसको समझते हैं। देखिएगा आप सभी को जो खेल होते हैं, खेल से संबंधित जितने भी कप होते हैं, जितनी भी ट्रॉफियाँ होती हैं, आप सभी उनको यहाँ से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से एनालॉजी के अंदर प्रश्न बनने की 99% संभावना रहती है, ठीक है, आ जाओ। जैसे कि विंबलडन ट्रॉफी जो होती है वो टेनिस से संबंधित होती है, इसी प्रकार से वोकर कप जो होता है प्यारे दोस्त वो गोल्फ से संबंधित होता है, किससे, गोल्फ से संबंधित होता है वोकर कप, किसका होता है वोकर कप गोल्फ का होता है, तो इसी प्रकार ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाना है जी, कौन सा, ऑप्शन सी सही हो जाना है प्यारे साथियों, सभी का ऑप्शन सी आया है, परंतु यहाँ पर हमने देखा कि यादव जी का क्या आया है, ए यानी कि हॉकी, क्या आया प्यारे दोस्त, हॉकी आया है, जिसमें कि आप सभी, आप प्यारे दोस्तों गलत हैं। चलते हैं इसी बीच 17वें प्रश्न पर, इसमें आखिरकार क्या कहा गया है, देखिएगा क्लास कहा, ठीक है जी, फर्स्ट एंड सेकंड क्लास आपको यहीं पर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, नहीं होगी तो मैं कह दूंगा
ठीक है, प्लेलिस्ट नहीं बनी होगी तो एक बार मैं आप सभी के लिए कह दूंगा पहले दोस्तों कि प्लेलिस्ट बना दें, वो यहाँ पर आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट क्लास जो हमने फर्स्ट चैप्टर किया था वो कौन सा था पहले दोस्त, हमारा कोडिंग डिकोडिंग था। उसके बाद फिर हमने किया है आपका एनालॉजी, और एनालॉजी की आज तीसरे नंबर की क्लास है प्यारे बंधु। कौन सा तीसरे नंबर की क्लास है, चलिएगा प्यारे साथी, इसका जवाब क्या होगा प्यारे दोस्तों? फनी वीडियो एंड ब्लॉग्स का भी सी था, बहुत बढ़िया। यहाँ पर लुगदी कागज क्या होगा इसका, 17 का ए आता हुआ जी, सबसे पहले आया था नीलम यादव का, फिर उसके बाद किसका आया है ये हमको देखना है, डार्क म्यूजिक फैक्ट्री का, फिर निशा कुमारी का डी आया है, और जी सरोज पाल का डी आया है, बोले जी धागा सुन, भैया जी धागा सुन, ओके और के ओके ओके चलिएगा ए, और भैया जी 17 का सी भी आ गया है, यानी कि रेयान सेल्यूलोज। देखो कि मैं आप सभी को बता दूं कि अब आप सभी का जो घमासान है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी बचा हुआ है प्यारे दोस्तों, इसको क्यों नाराज करते हो, रस्सी सन भी बता दो, रस्सी और सन भी बता दो प्यारे दोस्तों, चलिएगा जल्दी से आ जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि प्यारे साथियों बोले जी इस पहले से दूसरे का निर्माण हुआ है, लुगदी से कागज का निर्माण हुआ, लुगदी से निर्माण होता है कागज का, ठीक है, मतलब पहले से दूसरे का निर्माण हुआ है। मैं देखता हूँ सूत वस्त्र, सूत से वस्त्र बनते हैं, ये बात बिल्कुल सही बैठती है। अभी आप सभी के मन की जो बातें हैं उन सभी बातों को अभी बता देंगे, चिंता नहीं करना रे बाबा, चिंता नहीं करना दिखेगा, है ना। सूत से बनता है मेरे दोस्तों, वस्त्र बनते हैं हमारे, ये बिल्कुल सत्य बात थी प्यारे साथी। आ जाएं आगे भैया, आगे आ जाते हैं, देखो यहाँ पर प्यारे दोस्तों अब बोले कि प्यारे दोस्त रस्सी सन जी, रस्सी भी तो बनती है, हाँ रस्सी सन, अगर सन रस्सी होता तो बिल्कुल सही होता कि सन से रस्सी बनती है। यहाँ पर सुई धागा, सुई में धागा होता है, धागे में सुई नहीं होती, सुई में धागा। यहाँ पर जो हमारा लॉजिक के आधार पर जो बना है हमारा सूत और वस्त्र बनता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं आगे, इसी बीच 18वां प्रश्न पहले दोस्तों, माइक्रोवेव ओवन, ऊष्मा, माइक्रोस्कोप क्या। अब यहाँ पर देखता हूँ कि आप सभी कहाँ तक, क्योंकि दिन रात आप सभी आज तो पिज्जा खाने जा रहे हैं, आज तो हम केक लेंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक 12 बजे केक की लाइन लग गई, ठीक है। अब तो एक और काम होने लगा है प्यारे दोस्तों कि भैया अब तो जितना मतलब जितने अक्षर होंगे नाम में इतने ही केक है। जैसे किसी का नाम प्यारे दोस्तों बहुत लंबा हो गया, जैसे कि मानो जैसे हमारा हो गया अंकित, अब ANKIOT 5 केक हो गए, चलो कोई बात नहीं, जिसका नाम हुआ पुरुषोत्तम या जिसका नाम हुआ कुछ भी, बहुत लंबा नाम हो, कहने का मतलब ये है मेरा, है ना, बहुत लंबा नाम हो वो तो उसके तो भैया बहुत सारे आ जाएंगे, देखिएगा। चलो ठीक है, बताओ प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। 18 का बी आवर्धन करना, 18 का बी आवर्धन करना किसका आया रे बाबा सबसे पहले? म्यूजिक जी बहुत बढ़िया, निशा कुमारी, सरोज का, रूपाली का, और देवनाथ का, हाँ यमुना का, बहुत शानदार जी, अच्छा सी आया है जी इनका तो, मुंडा जी का सी। देखिए मेरी बात समझना मनोहर, मेरे प्यारे दोस्त, माइक्रोवेव ओवन का मतलब होता है, आप सभी इससे समझ जाइएगा, ओवन, जैसे आप पिज्जा लेने के लिए जाते हो तो पिज्जा जो होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसको उष्मा देने का कार्य करता है ओवन, उसमें उनको रखकर पकाया जाता है, ओवन समझना, ओवन का मतलब है जी उष्मा देना खाद्य पदार्थों को। इसी प्रकार माइक्रोस्कोप का मतलब होता है कि जितनी भी छोटी चीजें होती हैं, छोटी चीजें उनको बड़ा करके दिखाना होता है, मतलब उनका आवर्धन करना होता है, आवर्धन करना। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है भैया। यहाँ पर बताओ प्यारे दोस्तों कि किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है इसको समझने में, सभी का ओके है, डन प्यारे दोस्त, डन है या नहीं, चलिएगा। इसी बीच हम आते हैं 19वें पर, हाथी बछड़ा गधा क्या है ना, एलिफेंट कॉफ और डंकी। आ बताए भैया जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। यहाँ पर प्यारे साथियों इसका जवाब दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। 19वां प्रश्न आप सभी के सामने रखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। 19वां सवाल आप सभी के सामने है ना, देखें कि कौन प्यारे साथी सबसे पहले इसका जवाब देगा। प्यारे भैया कौन इसका जवाब देगा, बहुत शानदार प्यारे बंधु, कौन जवाब देगा जल्दी से दीजिएगा प्यारे साथियों, इसका जवाब दीजिएगा बहुत शानदार तरीके से, है देखते हैं कि कौन देता है, बहुत बढ़िया, अति उत्तम जी, हाँ ए डी, 19 सी और डी और ए है, 19 का सी और डी और ए, तीन आ गए 19 में, तो तीन आ गए प्यारे दोस्त, तीन आ गए, अच्छा जी 19 के आ गए तीन। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं बात करता हूँ हाथी बछड़ा, हाथी जो होता है एलिफेंट, उसके बछड़े बच्चे को, हाथी के बच्चे को, बच्चा है ये इसका, मेरा बच्चा है तुम, है ना, ये बच्चा है,
कॉफ कहते हैं, कॉफ कहते हैं। अगर मैं बात कर दूं, हाँ डी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी स्टाइल होती है प्यारे साथियों की, बहुत अच्छा आप जब भी जवाब देते हो। तो इसी प्रकार गधे के बच्चे को क्या कहते हैं कि ये गधे के बच्चे, अब गधे का बच्चा नहीं कहना किसी को, सीधा बोल दो जी फॉल होगा तू, फॉल FOAL। अरे प्यारे दोस्त ये कह दो तो वो समझ भी ना पाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। किसी को कहना हो गधे के बच्चे, वैसे कहना नहीं चाहिए, वैसे कहना नहीं चाहिए प्यारे साथी, है ना, क्योंकि अगर गधे के बच्चे कहते हो तो इसका मतलब ये समझ जाना कि आप टारगेट कर रहे हो उसके माता और पिता को, है ना प्यारे दोस्त, नहीं करना चाहिए। तो क्या है, जैसे कि अगर मैं देखो कि किटन की बात कर दूं तो बिल्ली के बच्चे को किटन कहते थे, बिल्ली के बच्चे को किटन कहते थे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा इसी बीच हम चलते हैं 20 पर। अब भैया 20 का क्या होगा, जवाब दो कि पिग पिगलेट और इसका क्या होगा, आगे बताओ। पिग पिगलेट है ना जी, पगलेट और पिगलेट देख लीजिएगा, आपसे भी जल्दी से बताना है प्यारे दोस्तों आप सभी को भैया क्या होगा जवाब इसका। बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, शानदार। इसी बीच आप सभी के समक्ष 20 नंबर का प्रश्न है, 20 नंबर वाला मतलब नंबर 20 है, 20 नंबर का अकेला नहीं, कि पिग पिगलेट और प्लेटीपस का क्या होगा, प्लेटीपस का क्या होगा बताओ जल्दी से, प्लेटीपस का क्या होगा, प्लेटीपस बहुत शानदार बताना है। देखिएगा प्यारे दोस्तों आप सभी को जल्दी से जवाब देना है कि प्यारे दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भैया, है ना। पिग माने तो जानते हो सभी के सभी प्यारे दोस्तों, पिग माने तो जानते हो सभी के सभी कि क्या होता है प्यारे साथियों, क्या होता है आप सभी जानते हो, है ना, जल्दी से बताइएगा। बताओ जल्दी से, ठीक है। एक भैया जी एक प्रकार का पशु होता है ये भी, इसके बच्चे को क्या कहते हैं, अब ये समझ जाओ इसके बच्चे को क्या कहते हैं, अगर यहां पर किसी साथी ने दिया है जी श्योर डी डी डी, आखिर देखिएगा मैं आपको बताऊं, हाँ सुअर होता है उसका तो बहुत अच्छा। ये जो होता है एक प्रकार का अजीब, आप सभी सर्च करके देख लेना, अजीब वो अजीब गरीब सा आपको दिखेगा पशु, इसके बच्चे को कहते हैं, ठीक है जी, बेबी प्लेटी पप, बेबी प्लेटी पप इसके बच्चे का नाम होता है ऑप्शन डी, है ना। आप सभी इसको सर्च करके देख लेना कि किस प्रकार का है ये कैसा दिखेगा, आपको पता लग जाएगी, अलग ही टाइप का होगा, है ना, अलग ही टाइप का होगा, आप सभी को दिख भी जाएगा। चलिएगा बहुत शानदार, अगले प्रश्न पर हम सभी आ गए हैं। 21वां प्रश्न है कि डक डकलिंग हॉर्स क्या, अब इसका जवाब तो सभी देंगे क्योंकि जब पहली क्लास हुई थी तो उसके अंदर मैंने आप सभी को इसके बारे में बताया भी था, और प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसका जवाब गलत नहीं देंगे, बिल्कुल जी, ठीक है जी, बहुत शानदार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जवाब भी गलत नहीं देंगे, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी। प्यारे बंधु जल्दी से बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा, प्यारे साथियों, प्यारे मित्र इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है जी, इसका सही जवाब क्या होगा, दीजिएगा प्यारे बंधु कि इसका सही जवाब क्या होगा आप सभी के सामने। 21 नंबर का प्रश्न है प्यारे दोस्तों, है ना, 21। देखता हूं कि प्यारे मित्र इसका सही जवाब कौन देता है, हमने सबने पढ़ा था 21 का भी और किसी प्यारे साथी को कोल्ट, कोल्ट सी आया है, ठीक है जी। देखता हूं कि किस साथी का सही जवाब आएगा, किस पर सबसे ज्यादा वोट आती है, किस पर सबसे ज्यादा वोट आती है, बताइएगा प्यारे साथियों, जी 21 का कोल्ट, बिल्कुल प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब है जी कोल्ट, बिल्कुल शानदार गजब, बिल्कुल जी यही होगा इसका जवाब, है ना। तो आप सभी देख सकते हैं कि प्यारे साथी कि इसका जवाब क्या हो गया हमारा ऑप्शन सी। चलिएगा आगे जुड़ते हैं 22 क्या होता है, कैट किटन, देखो कि कैट का संबंध जो किटन के साथ है, कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, मैंने आपको बताया था कैट के बच्चे को किटन कहते हैं, तो आप सभी को अब क्या बताना है प्यारे दोस्तों कि कंगारू का संबंध किसके साथ होगा, कंगारू का किटन, पपी या लार्वा या जॉय, प्यारे दोस्त क्या होगा, प्यारे दोस्तों क्या होगा आप जल्दी से बताइएगा कि इसका सही जवाब मेरे प्यारे साथियों क्या होने वाला है। देखता हूं प्यारे बंधु कि कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है, प्यारे भैया कौन सबसे पहले जवाब देता है, ठीक है देखते हैं कि प्यारे बंधु, अरे भैया 22 का डी दिया है जॉय, कंगारू किसने दिया है सबसे पहले, डार्क म्यूजिक फैक्ट्री के द्वारा दिया गया है 22 का डी, और प्यारे दोस्तों यहाँ पर पाल जी के द्वारा दिया गया है सी, रूपाली के द्वारा दिया गया है डी,
और किसी प्यारे साथी के द्वारा क्या दिया जाता है, देखते हैं सभी हम यहाँ पर, देखते हैं प्यारे भैया, डी डी डी, ओके ओके डन। चले चलिएगा प्यारे साथियों, देखो कि जितने भी डी वाले हैं बिल्कुल सही हो जाते हैं, जे ओ ई वाई, जे ओ ई वाई इसका सही जवाब होगा। देखो कि प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर हम सभी कुछ, जैसे कि बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं, मैंने बताया था कि बिल्ली घुस जाती है किचन में और किचन में अफरा तफरी करती है, तो किचन से किटन बन गया, हो गया पप्पी। प्यारे दोस्त, कुत्ते का पिल्ले, एक कुत्ते के पिल्ले, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, है ना, तो भैया पप्पी हो गया। मैं बात करता हूँ लार्वा, लार्वा किसके, कीट के बच्चे को लार्वा कहते हैं। आगे देखिएगा, इसी बीच 23 नंबर का आप सभी के सामने बफेलो काल्फ, बफेलो काल्फ, है ना। इसी बीच डियर के बच्चे को क्या कहते हैं, देखोगे यहाँ पर मैंने बारह सिंगा और डियर, यानी बारह सिंगा और हिरन दोनों के बच्चे का नाम आपको बताया था। अगर प्यारे दोस्तों आप सभी ने अच्छे से ध्यान से देखा होगा पहली क्लास को, तो यहाँ पर आप इसका जवाब तुरंत देखते ही ऐसे टिक लगा दोगे, जैसे प्यारे दोस्तों कि ये सवाल में कुछ है ही नहीं, इस सवाल में कुछ है ही नहीं, ये आप सभी जल्दी से इसका जवाब दे दीजिएगा कि प्यारे साथी इसका जवाब क्या होगा, कि बफेलो काफ और प्यारे दोस्त डियर का आगे क्या आएगा, किसका मेरे प्यारे भाई, डियर का आगे क्या आएगा, बताइएगा जल्दी से। देखना चाहते हैं कि आप सभी शानदार तरीके से जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, भैया जल्दी से जवाब दीजिएगा। 23 का बी फान आया है फान, और 23 का निशा जी का आया है डी, और सरोज का आया है बी, अक्षय जी और किसी का बी, 23 का ए या बी होगा। डार्क म्यूजिक फैक्ट्री ऐसा नहीं होता है, किड पेन है ना, किड पेन। अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, देखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा या नहीं होगा, इस बात की अभी हम पुष्टि कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि बफेलो के बच्चे को कहते हैं काफ, और मैंने कहा था कि बारह सिंगा और डियर यानी हिरन के बच्चे को हम सभी फान के नाम से जानते हैं। तो याद साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट इसका जवाब हो जाने वाला है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिएगा, इसी बीच हमारे सामने 24वां नंबर का प्रश्न है कि दीमक लकड़ी, दीमक का संबंध जो लकड़ी के साथ है, दीमक का रिलेशन जो लकड़ी के साथ है, वही रिलेशन किसका किसके साथ होगा। जैसा कि दीमक और लकड़ी का संबंध है आपस में, दीमक और लकड़ी एक साथ रहते हैं, एक साथ संबंध है, इसी प्रकार से किसका रिलेशन होगा इनके जैसा ही, बताओ, है ना। तो आप सभी को प्यारे दोस्तों बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि ये आप सभी को सोचने पर थोड़ा सा मजबूर कर देगा, प्रश्न अच्छे लेवल का प्रश्न है प्यारे साथियों, है ना, सोचने पर वास्तविकता में आपको मजबूर कर देगा। तो आप सभी जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा, है ना, जल्दी से दीजिएगा। आ जाओ जल्दी से, जी टी डी दिया है, धागा वस्त्र, धागा और वस्त्र, धागा और वस्त्र। देखिएगा प्यारे दोस्तों, मैं बात करूं आप सभी को, मेरी बात समझना कि ये दीमक जो होती है लकड़ी को नुकसान पहुंचाती है, दीमक लकड़ी को नुकसान पहुंचाने का काम करती है, दीमक जहां पर रहती है उसको कॉलोनी कहते हैं। और इसी प्रकार से नीम कपास, नहीं जी, नीम और कपास, नीम अलग है, कपास अलग है, रेशा अलग है, पटसन अलग है। सलब जो होती है, सलब वो ऊन को नुकसान पहुंचाती है, सलब ऊन को नुकसान पहुंचाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा प्यारे साथी, ऑप्शन नंबर सी इसका प्यारे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथी कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, प्यारे भाई ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, याद रखना सलब और ऊन। यहाँ पर 25 क्या कहता है प्यारे दोस्तों, आप सभी देखिएगा अच्छे से इसको एक बार, और सभी बताना है कि शानदार तरीके से, सी होगा, बहुत बढ़िया जी, है ना जी, सलब और ऊन, सलब और ऊन प्यारे मित्र इसका सही जवाब है। प्यारे बंधु आप सभी इसका जवाब दीजिएगा जो 25 का, इसमें कहा है कि जिस प्रकार संसद ग्रेट ब्रिटेन संबंधित है, उसी प्रकार कांग्रेस संबंधित किससे है, कांग्रेस किससे संबंधित है, तो आप सभी को बताना है कांग्रेस किससे संबंधित है, ठीक है जी, कांग्रेस किससे संबंधित है। कोई भी प्यारा साथी, अब आप सभी ये नहीं सोचना, ठीक है, कि कांग्रेस का मतलब वहां कैसे पहुंच गया, क्या होगा इसका जवाब, इंडिया दे दो, जापान हो, यूएसए हो, या प्यारे साथी हो नीदरलैंड हो, बताओ जल्दी से, बताइएगा भैया जी यहाँ पर, जल्दी से बताओ बहुत शानदार तरीके से। बी, बी आया है फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया, है ना जी, फ्रॉम इंडिया, ठीक है जी। यहाँ पर प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जिस प्रकार से संबंध, भैया जी फ्रॉम इंडिया वाले कितने हैं, यूएसए वाले कितने हैं, यूएसए वाले बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक होंगे यूएसए वाले। देखिएगा जिस प्रकार से ग्रेट ब्रिटेन की जो संसद है उसका नाम संसद है, इसी प्रकार से कांग्रेस जो है कहाँ की संसद का नाम है, यूएसए की संसद का नाम है, कहाँ की का, यूएसए, फ्रॉम यूएसए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्यारे साथी कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखना ऑप्शन सी और ऑप्शन सी, ओके डन, आपने कहा जी बिल्कुल डन। देखिएगा आगे बढ़े और देखा 26 क्या है,
प्यारे मित्र देखिएगा, पढ़ने का संबंध ज्ञान से है, जैसे कि का संबंध स्वास्थ्य से है। मतलब पढ़ोगे तो ज्ञान प्राप्त होगा, और स्वास्थ्य के लिए आपको क्या करना जरूरी है। तो आप सभी यहाँ पर अच्छे से देखिएगा कि पढ़ने के लिए क्या साथियों क्या करना है कि ज्ञान का है पढ़ने से संबंध, जैसा कि डैश डैश का संबंध स्वास्थ्य से है। भैया जी स्वास्थ्य से संबंध किसका है आप सभी अच्छे से बताओ एक बार सभी के सभी। तो आपको पता है कि प्यारे दोस्तों भैया जी देखो कि सभी का जवाब क्या आया है, इसका सही जवाब क्या होगा, तो बहुत शानदार जी 26 का गजब, यानी कि एक्सरसाइज जो व्यायाम करना होता है उससे आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा प्यारे साथी। कौन सा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल प्यारे दोस्तों करेक्ट होगा, याद रखना है आप सभी को। ठीक है प्यारे मित्र चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसी बीच हम समझते हैं कि यहाँ पर 27वां प्रश्न है प्यारे दोस्तों, और आप सभी के लिए आज का अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ना। देखो शराब को अंगूर के, भैया कहोगे जी शराब वाले प्रश्न बहुत ला रहे हो, मैंने कहा जी लास्ट ले रहा हूँ क्योंकि ना जाने आप सभी के एग्जाम में ये आ जाए और आप सभी को नशा कर दे। तो प्यारे दोस्तों नशा ना हो इसलिए आप सभी को पहले ही डोज दे देते हैं, पहले ही आपको एक गोली दे देते हैं, एक डोज दे देते हैं कि दोस्तों जो आपको नशा बिल्कुल भी ना हो। इसका जवाब सभी दीजिएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा, देखते हैं कि प्यारे बंधु की कौन सही जवाब देता है। और आप सभी प्यारे साथी एक काम अवश्य करना है कि इसके बाद आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगी, टेलीग्राम पर मिलेगी, रीजनिंग बाय एमपी स्टोरी पर। किसी भी मेरे प्यारे दोस्तों को कुछ पूछना है, कुछ समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप सभी वहां पर डाउट ग्रुप जो है उसमें मेरा चैनल का ही उसमें जाकर के आप सभी मुझे टैग कर सकते हैं @ मेरा नाम जो वहां पर होगा है ना, मैं बिल्कुल वहां पर देखता हूं आपका। और मैं अगर मुझे लगेगा कि हाँ आपसे अलग अलग कॉन्टैक्ट करने की आवश्यकता तो मैं अलग मैसेज करके आपसे आपकी समस्या पूछूंगा। 27 का ए है, 27 का ए सेव। अरे भैया वोदका पूछा है मैंने, वोदका कौन दे रहा है ए सेव। चलो एक बार सभी सर्च करके देखो कि वोदका का निर्माण किससे होता है, सभी सर्च करके देखो कि वोदका का निर्माण किससे होता है, आप सभी समझ जाएंगे कि प्यारे भाई वोदका का निर्माण किससे होता है। जल्दी से देखिएगा क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि शराब का निर्माण अंगूर से होता है, यहाँ पर होता है प्यारे दोस्तों क्या होता है अंगूर से होता है। इसी प्रकार से बताओ प्यारे दोस्तों 27 का ए सबने दिया है, और मैं कह देता हूँ कि आप सभी गलत हैं प्यारे दोस्तों, आप सभी गलत हैं प्यारे प्यारे भाई, आप सभी गलत हैं प्यारे मित्र, आप सभी गलत हैं, याद रखना आप सभी गलत हैं प्यारे दोस्तों। देखिएगा गलत है तो गलत है, अगर मैं बात करूं कि हाँ भैया गलत वगैरह है तो इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे दोस्त, क्या होगा इसका, आलू होगा, पोटैटो होगा, आलू। मतलब वोदका जो होता है, देख सकते हैं कि आप सभी आलू क्यों महंगा हो रहा है, आप सोचोगे जी आलू हो इसीलिए आलू महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया क्योंकि वोदका बन रही है आलू से, वोदका बन रही है आलू से। इसका जवाब होगा जी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, वोदका का निर्माण होता है आलू से। प्यारे बंधु हमारे ये सभी के सभी सवाल आज हो चुके हैं, 27 हमारे प्रश्न हुए हैं। किसी भी प्यारे बंधु को, किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत सवाल में हुई हो, ऐसा कोई प्रश्न हो जो समझ में ना आया हो, थोड़ा बहुत ऊपर कर चला गया हो, तो प्यारे साथी एक बार अवश्य बताएं, उसको बताते हैं, अन्यथा फिर आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शानदार तरीके से एक न्यू चैप्टर के साथ। तो जल्दी से सभी कमेंट करके बताओ प्यारे साथी, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी भी प्रश्न में हुई हो तो बताएं अवश्य, ठीक है। चलिएगा प्यारे मित्र, तो किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है, आप सभी का कमेंट किसी का भी नहीं आ रहा है, तो आप सभी से मिलते हैं फिर, कब मिलेंगे, कल न्यू चैप्टर के साथ। तो तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार तरीके से पढ़ें भैया जी, ओके। प्यारे साथियों सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से कल, सभी साथियों का राम राम। प्यारे मित्र जय हिंद जय भारत।